चंपा को देह धंधा करने के आरोप में जेल हो गई। वह रंगे हाथ पकड़ी गई थी। वह जेल की सलाखों में उदास बैठी हुई थी। चंपा के साथ एक अधेड़ औरत भी बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले पुलिस उसे भी इस बैरक में डाल गई थी। चंपा जिस होटल में देह धंधा करती थी उसी होटल में पुलिस ने छापा मारा था और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। आदमी तो भाग गया था मगर पुलिस वाला उसे दबोचते हुए बोला, चल थाने। नहीं पुलिस बाबू, मुझे माफ़ कर दो, वह हाथ जोड़ते हुए बोली थी। अब नहीं करूँगी यह धंधा। वह आदमी कौन था? पुलिस वाला उसी अकड़ से बोला था, मुझे नहीं मालूम कि वह कौन था। वह फिर हाथ जोड़ते हुए बोली थी, झूठ बोलती है, चल थाने, सारा सच उगलवा लूँगा, मुझे छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ देंगे, लेकिन तूने उस ग्राहक से कितने पैसे लिए हैं? कुछ भी नहीं देकर गया है, झूठ कब से बोलने लगी, चल थाने, छोड़ दीजिए। कहा ना कि अब कभी नहीं करूँगी यह धंधा। करेगी, ज़रूर करेगी। अगर करना ही है तो लाइसेंस लेकर कोठे पर बैठ, फिर हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, हवलदार थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला था। तुझे छोड़ सकता हूँ मगर तेरे पास जितने पैसे हैं निकाल कर मुझे दे दे। साहब आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, वह बोली। ठीक है, तब तो एक ही उपाय है, जेल। फिर वह पुलिस वाला उसे पकड़कर थाने ले गया। चंपा दीवार के सहारे चुपचाप बैठी हुई थी। वह अधेड़ औरत ना जाने कब से उसे घूर रही थी। आखिरकार वह अधेड़ औरत बोली, ऐ लड़की तू कौन है? तब चंपा ने अपना चेहरा ऊपर कर उस अधेड़ औरत की तरफ देखा मगर जवाब कुछ नहीं दिया। वह अधेड़ औरत जरा नाराजगी से बोली, सुना नहीं, बहरी है क्या? हाँ पूछो, चंपा ने कहा। क्या अपराध किया है तूने? मैंने भी वही अपराध किया है जो तकरीबन हर औरत करती है। क्या मतलब है तेरा? गोलमोल बात क्यों कर रही है, सीधे सीधे कहना, वह अधेड़ औरत गुस्से से बोली। मुझे देह धंधा करने के आरोप में पकड़ा गया है, शक तो मुझे पहले से ही था। अरे जिस पुलिस वाले ने तुझे पकड़ा है उसके मुंह पर नोट फेंक देती, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसके मुंह पर फेंक देती। तुमने यह धंधा क्यों अपनाया, क्या करोगी जानकर? मत बता, मगर मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? औरत मजबूरी में ही यह धंधा अपनाती है। नहीं गलत है, मैं मजबूरी में वेश्या नहीं बनी बल्कि बनाई गई हूँ। कैसे? अपनी कहानी सुना। हाँ सुना दूंगी, मगर आप इस उम्र में जेल में क्यों आई हो? मेरी बात छोड़, मेरा तो जेल ही घर है, उस अधेड़ औरत ने कहा। आप आदतन अपराधी हैं, यही समझ ले, उस अधेड़ औरत ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर भी सुनना चाहती है तो सुन, मैं अफीम की तस्करी करती थी। अब सुना तू अपनी कहानी। चंपा की कहानी कुछ इस तरह थी। चंपा के पिता मजदूर थे, उनका नाम मांगीलाल था। उन्होंने रुकमणी नाम की औरत से शादी की थी। शादी के 2 साल गुजर गए थे। एक दिन पिता मांगीलाल को पता चला कि रुकमणी माँ बनने वाली है। उनकी खुशियों का ठिकाना ना रहा। रुकमणी को बाहों में भरते हुए वे बोले, पहला बच्चा लड़का होना चाहिए। यह मेरे हाथ में है क्या, रुकमणी उन्हें झिड़कते हुए बोली। 9 महीने बाद जब चंपा पैदा हुई तो 4 दिन बाद उसकी माँ मर गई। पिता के ऊपर सारी जवाबदारी आ पड़ी। रिश्तेदार कहने लगे कि पैदा होते ही यह लड़की माँ को खा गई। तब मौसी ने उसे पाला। माँ के मरने पर पिता टूट गए थे, वे उदास से रहने लगे। तब अपना गम भुलाने के लिए वे शराब पीने लगे थे। रिश्तेदारों और उनके बड़े भाई ने खूब कहा कि दोबारा शादी कर लो, मगर वे तैयार नहीं हुए। धीरे धीरे चंपा मौसी की गोद में बड़ी होती गई। जब वह 5 साल की हो गई तब उसे स्कूल में भर्ती करा दिया गया। पिता को दोबारा शादी के प्रस्ताव आने लगे, चारों तरफ से भी दबाव बनने लगा। एक दिन पिता के बड़े भाई भवानी राम और उनकी पत्नी तुलसाबाई आ धमके। आते ही भवानी राम बोले, ऐसे कैसे काम चलेगा मांगीलाल, क्या कह रहे हैं भैया? मांगीलाल ने पूछा, सारी जिंदगी यूं ही बैठे रहोगे, भवानी राम ने दबाव डालते हुए कहा। आप कहना क्या चाहते हो भैया? अरे देवर जी, तुलसाबाई मोर्चा संभालते हुए बोली, देवरानी को गुजरे 6-7 साल हो गए, अब उसकी याद में कब तक बैठे रहोगे? चंपा भी अब बड़ी हो रही है, भाभी मेरा मन नहीं है शादी करने का, मांगीलाल ने साफ इनकार कर दिया था। मैं पूछती हूँ कि आखिर मन क्यों नहीं है, दबाव डालते हुए तुलसाबाई बोली।
यूँ देवरानी की याद करने से वह वापस तो नहीं आ जाएगी, फिर शादी कर लोगे तो देवरानी के गम को भूल जाओगे। नहीं भाभी, मैंने कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, हम तेरे लिए शादी लेकर आए हैं। और हाँ, तेरी हाँ सुने बगैर हम जाएंगे नहीं, भैया भवानी राम ने हक से कहा। हमने तेरे लिए लड़की भी देख ली है, लड़की इतनी अच्छी है कि तू रुक्मणी को भूल जाएगा। नहीं भैया, मैं चंपा के लिए सौतेली माँ नहीं लाऊंगा, एक बार फिर इनकार करते हुए मांगीलाल बोला। कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहा है, जिनकी औरत भरी जवानी में ही चली जाती है तब वे दोबारा शादी नहीं करते हैं क्या? अरे देवर जी, यह क्यों भूल रहे हो कि चंपा को माँ मिलेगी, कब तक मौसी उसकी देख रेख करती रहेगी। इस बात को दिमाग से निकाल फेंको कि हर माँ सौतेली होती है, जिसके साथ हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं वह ऐसी नहीं है, चंपा को वह अपनी औलाद जैसा ही प्यार देगी। भाभी आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बिना औरत के आदमी का घर नहीं बसता है, और हम तेरा घर बसाना चाहते हैं। लड़की हमने देख ली है, एक बात कान खोल कर सुन ले, हम तेरी शादी करने के लिए आए हैं, इनकार तो तुम करोगे नहीं, बस तैयार हो जाओ, कहकर भवानी राम ने बिना कुछ सुने फैसला सुना दिया। मांगीलाल को भी हार माननी पड़ी, भैया भाभी ने जो लड़की पसंद की थी उसका नाम कलावती था। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान की तरह कलावती के साथ उसकी शादी कर दी गई। जब तक कलावती की पहली औलाद ना हुई तब तक उसने चंपा को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह उसकी सौतेली माँ है। मगर बच्चा होने के बाद वह चंपा को बात बात पर डांटने लगी, उसका स्कूल छुड़वा दिया, वह उससे घर का सारा काम लेने लगी, पिता भी नई माँ पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। इस तरह नई माँ ने पिता को अपने कब्जे में कर लिया। धीरे धीरे चंपा बड़ी होने लगी, लड़की उसे छेड़ते लगे। कलावती भी उसे देखकर कहने लगी, लंबी और जवान हो गई है, कब तक हमारे मुफ्त के टुकड़े तोड़ती रहेगी, कोई काम धंधा कर, काम धंधा नहीं मिले तो किसी कोठे पर जाकर बैठ जा, तेरी जवानी तुझे कमाई देगी। चंपा के पिता जब शादी की बात चलाते तब सौतेली माँ कहती, कहाँ शादी के चक्कर में पड़ते हो, चंपा अब बड़ी हो गई है, साथ ही जवान भी, रूप भी ऐसा निखरा है कि अगर इसे कोई किसी कोठे पर बिठा दो तो खूब कमाई होगी। तब पिता विरोध करते हुए कहते, जवान से ऐसी गंदी बात मत निकालना, क्या वह तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी पेट जाई नहीं है वह, आखिर है तो सौतेली ही, कलावती उसी तरह जवाब देती। पिता को गुस्सा आता मगर वह उन्हें भी खरी खोटी सुनाकर उनकी जवान बंद कर देती थी। इस गम में पिता ज़्यादा शराब पीने लगे, रात दिन की कचकच से तंग आकर चंपा ने कोई काम करने की ठान ली, मगर सौतेली माँ तो उससे देह धंधा करवाना चाहती थी। आखिर में चंपा ने भी अपनी सौतेली माँ की बात मान ली, जिस होटल में वह धंधा करती थी वहीं सौतेली माँ ग्राहक भेजने लगी, ग्राहक से सारे पैसे सौतेली माँ झटक लेती थी। चंपा ने उस अधेड़ औरत के सामने अपना दर्द उगल दिया। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद वह अधेड़ औरत बोली, तेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है, आखिर सौतेली माँ ने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। चंपा कुछ नहीं बोली, अब क्या इरादा है, तेरी सौतेली माँ तुझे छुड़ाने आएगी, उस अधेड़ औरत ने पूछा। नहीं, मैं तो अब जेल में ही रहना चाहती हूँ, उस सौतेली माँ की सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। तू भले ही मत देख, मगर तेरी सौतेली माँ तुझसे पैसा कमाएगी, इसलिए तुझे छुड़ाने जरूर आएगी, अपना अनुभव बताते हुए वह अधेड़ औरत बोली। मगर अब मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी, भाग कर कहाँ जाएगी, यह दुनिया बहुत बड़ी है, यह मर्द जात तुझे अकेली देखकर नोच लेगी, मैं कहूँ तो तू किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। कौन करेगा मुझसे शादी, बस्ती के सारे बिगड़े लड़के मुझसे शादी नहीं मेरा जिस्म चाहते हैं, वैसे भी मैं बदनाम हो गई हूँ, अब कौन करेगा शादी। हाँ ठीक कहती हो, कहकर वह अधेड़ औरत खामोश हो गई। कुछ पल सोचकर वह अधेड़ औरत बोली, हम औरतों के साथ यही परेशानी है, देखना मुझे भी मेरी जवानी का फ़ायदा उठाकर तस्करी का काम दिया, ताकि औरत देखकर कोई शक नहीं करे, मगर जब पैसे मिलने लगे तब धंधा मुझे रास आ गया, इसका नतीजा देख रही हो, आज मैं जेल में हूँ। फिर दोनों के बीच काफ़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा, तभी एक पुलिस वाले ने ताला खोलते हुए कहा, बाहर निकल, तेरी माँ ने जमानत दे दी है। चंपा ने देखा कि उसकी माँ कलावती खड़ी थी, वह गुस्से में बोली, तू चुपचाप धंधा करती रही और मुझे बदनाम कर दिया, सारी बस्ती वाले मुझ पर थूक रहे हैं, आखिर मैं तेरी सौतेली माँ हूँ ना, बदनाम तो होना ही है, वैसे भी सौतेली माँ तो बदनाम ही रहती है, चल निकल बाहर, अब कभी धंधा किया ना तो तेरी खाल खींच लूँगी।
माँ हूँ तेरी, भले ही सौतेली सही, मैंने जमानत दे दी है। चंपा कुछ नहीं बोली, वह अपनी सौतेली माँ के साथ होली। वह जानती थी कि यह दिखावा है, अब यह कैसी साहूकार बन रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।